हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज तारीख है 1 मार्च, और आज से ही मार्च महीना बैठ गया है, तो सभी को संभल के रहना पड़ेगा। आप गाड़ी लेकर निकलोगे तो आपके पास सभी कागज वागज रखना साथ में, क्योंकि मार्च एंडिंग बैठ गया है, तो आपको आपके पास कुछ गाड़ी के कागज़ या PUC या लाइसेंस नहीं होगा तो पकड़ेंगे। और उसी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तो इधर घर पे साफ सफाई चल रही है, सोनल साफ सफाई कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट बना हुआ, इसलिए मैं खा लेता हूँ पहले। तो अभी इधर सब्जी काफ़ी सारी आई, तो आपको मैं बताऊँगा कि क्या प्लानिंग है। और ऊपर टेरिस पे मम्मी और राधिका वो दोनों सफाई कर रही है, तो अभी देखेंगे। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनने में टाइम लगेगा, तो ऊपर जाके देखते हैं क्या कर रहे हैं मम्मी और राधिका। तो हम अभी जाएंगे टेरिस पे, क्योंकि टेरिस की सफाई भी करनी पड़ेगी। तो पहुंच गए टेरिस पे, और ये हमारा पूरा टेरिस है, और इधर मम्मी सफाई कर रहे हैं। मम्मी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। तो अभी इधर तो मम्मी सफाई कर रही है, हम नीचे जाके बात करेंगे। जब मम्मी नीचे आएंगे तब बात करेंगे। और अभी अभी नीचे जाके देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो जो नीचे पहुंच गई है, और मेरा भाई उठ के बैठ गया है। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। क्या है आज का प्लान? कुछ नहीं है अभी, तो कुछ नहीं है। तो अभी पहले तो मैं और रोहित दोनों आज साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। और इधर हमारा ब्रेकफास्ट बनने का स्टार्ट हो गया है, चाय रख दी है, और हम ब्रेकफास्ट में रोटी खाएंगे। और अभी मैं बस 1-2 दिन ही चाय और रोटी खाऊंगा, फिर मैं चाय और रोटी सुबह दोनों बंद कर दूंगा, सिर्फ जूस या फ्रूटी लूंगा। और बस ये चाय चल रहा है, अभी ब्रेकफास्ट बन जाएगा, फिर ब्रेकफास्ट करने बैठेंगे। तो जब तक मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, तब तक आप कल शाम का वीडियो देख लो, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आज घर पर क्या होने वाला है। क्योंकि कल रात से हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो पार्ट पहले देख लो, फिर बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी रात के 8 बज गए, और घर पे देखते हैं क्या सब कुछ चल रहा है। तो इधर किचन में पहुंच के इधर सोनल सभी सब्जियां साफ कर रहे हैं। क्यों सब्जियां साफ कर रहे हो? ऐसा है तो मम्मी भी इधर अभी पूरा किचन विचन साफ सफाई करेंगे, तब तक हम ऊपर देखते हैं पापा क्या करते हैं। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि कल हमारे घर पे काफ़ी सारे लोग मेहमान को इन्वाइट किया है खाने के लिए। तो अभी देखते हैं ऊपर जाके पप्पा क्या कर रहे हैं। और इधर राधिका इधर बाहर लॉबी में खड़ी खड़ी क्या कर रही है? गाड़ियाँ निकल रही है, देख रही हूँ। हाँ तो गाड़ियाँ तो दोपहर को भी निकलती है, शाम को क्यों देखती है? दोपहर का टाइम नहीं होता है, ऐसा है। तो अभी ढाबे पे जाते हैं, पप्पा क्या कर रहे हैं। तो टेरिस पे पहुंच गए, और पापा इधर कुछ कल का जो सभी को इधर ढाबे पे बिठाने का, इसलिए वो ये फॉक्स लेके आ गए, वो भी लगा के दिखाएंगे किस तरह से पूरा होगा। तो अभी पापा तो ऊपर टेरिस पे फॉक्स लगा रहे, क्योंकि सभी मेहमान को वहाँ पे हम बिठाएंगे खाना खाने के लिए। कल सभी जो हमारे भाई भी इसका जितने भी बाकी है, उसको हम खाने का इनवाइट के लिए बुलाया है, भाई बीज देने का है। और इधर कल के लिए सब्जी भी साफ सफाई हो रही है, तो बस ऊपर ढाबे का फॉक्स लग जाएगा, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी हमने फॉक्स लगा दिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कल का डिसीजन चल रहा है कि कहाँ पे कौन कैसे बिठाएंगे। और सोनल आ गए, वहाँ पे हमने फॉक्स लगा दिया है, पूरे अगासी पे लाइट आ गई, और अभी सब लोग डिसीजन ले रहे हैं कि कहाँ कौन क्या करेंगे कल ऐसा सब। तो बस अभी सब ऐसा चल रहा है, और थोड़ा सा टेरिस भी कल साफ करना पड़ेगा, और थोड़ी अभी सफाई सब चल रही है। थोड़ी सी चीज़ ऐसे तैसे रखी वो सब सही रख देंगे, तो कल टेरिस भी साफ करना पड़ेगा। काफ़ी सारी धूल आ गई है, तो अभी मिले। तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, और जैसे आपने कल रात का वीडियो देखा, वो सब तैयारी इसलिए हो रही कि आज हमारे घर पर काफ़ी सारे गेस्ट को हमने इन्वाइट किया है डिनर के लिए। वो डिनर इसलिए दिया है कि हमारे गुजराती फैमिली में क्या होता है, जिसकी नई नई शादी होती है उसको हमको रोटला भी देना होता है, और भाई बीज का भी देने का बाकी था। दिवाली पे जो भाई बीज आती है, उसके बाद कंटिन्यू शादी की सीज़न चलती है, तो कोई भाई बीज हम नहीं दे पाए थे। तो फाइनली हमने 2-3 दिन में नक्की करके
वो कर दिया, तो अभी शाम को काफ़ी सारे गेस्ट आएंगे तो उसका खाना बाना भी बनाएंगे, तो कंटिन्यू करेंगे दोपहर को सब क्या कैसे बनाने का और क्या क्या बनाने का वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी दोपहर के 11:30 बज गए और देखते हैं घर पे क्या हो रहा है, दोपहर का लंच में क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो दोपहर में तो अभी दाल बनने की स्टार्ट हो गई है, क्या बनाने का है दोपहर को? दाल ढोकली। दोपहर को दाल ढोकली बनाएंगे और इधर हमारी शाम की सब गेस्ट की तैयारी हो रही है और ये रस लाए हुए हैं वो हमने फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए, और ये सारी सब्जियां है और ये डिश सब है तो उसको सफाई करना पड़ेगा पहले, और सब्जी है, सब्जी क्या बनाते हैं वो दोपहर का दाल ढोकली खाने के बाद देखते हैं। तो बस इस तरह से ही है सब कुछ, तो दोपहर को दाल ढोकली बनेंगे उसके बाद शाम का जो खाने की तैयारी सब चालू कर देंगे। और मम्मी को क्या हूँ क्यों तो मम्मी अभी बोल रहे हैं कि सब बन जाएगा तब दिखाएंगे, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि बनता है तभी दिखाऊंगा। और पापा और राधिका बाहर गए हैं, वो भी आएंगे तो उससे पूछेंगे कहाँ पे गए थे, तो अभी मिलते हैं दोपहर के लंच के टाइम पे। अभी दोपहर के बज गए एक और हम लोग खाना खाने के लिए बैठ जाए। दोपहर के लंच में आपको जैसे बताया था दाल ढोकली वही है, तो इधर दाल ढोकली रेडी हो गई। और राधिका और पापा कहाँ गए थे आप? बाहर जा रहे थे तब? कुछ नहीं, कुछ बाहर काम था, वहाँ गए थे। हाँ तो वहाँ गए थे, उसकी जॉब भी लग गई है, तो इधर पापा भी सब कुछ लेके आ गए, डिश और रस अभी खम्मन और लेके आएंगे शाम को। तो बस इतना ही है, अभी मैं खा लेता हूँ फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। फिर के लंच के बाद थोड़ा सा आराम कर लिया था, अभी ऊपर आ गए और इधर सब कटिंग वटिंग करने का स्टार्ट हो गया है। तो मम्मी टमाटर की कटिंग कर रहे हैं और बटेका बना रहे, आधी क्या कटिंग कर रही है वो भी सब बटेका और सान रही है। और इधर कुछ रख दिया है कुकर, और इसमें भात बनेगा इसमें दाल बनेगी, तो इतना सारा खाना क्यों बनाना है हमको? तो शाम को कितने लोगों का ये खाना बनने वाला है? तो ऐसी लोगों के लिए सब खाना बनने वाला है डिश बीस, और किस की सब्जी बनाने की है वो तो बता दीजिए। तो ऊंधिया बनाना है कि ऐसे मिक्स सब्जी बनाना है? ऐसा ही है, तो ऊंधिया जैसा ही सभी मिक्स सब्जी बनाने वाले हैं। तो अभी तो दाल और भात रख दिए है, शाम को 7 बजे रेडी सब हो जाएगा। वो भी धीरे धीरे आगे क्या बनता है वो सब मैं आपको दिखाते जाऊंगा। तो अभी शाम के 5 बज गए और घर पे आ गए, पापा समोसा और खम्मन लेके भी आ गए, तो इसमें समोसा है और इधर सारा सब बन गया है। अभी क्या बनाने का बाकी है, और हमारे मासी भी आ गए, वो अभी पूरी के लोट बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, और इधर सोनल सान वासन सब सफाई कर रही है, और खम्मन भी आ गया है। तो अभी धीरे धीरे सब मेहमान आने लगेंगे, तो बस ऐसा ही चल रहा है। अभी हमारे थोड़े से जल्दी घर पे आ गए क्योंकि मेहमान आने वाले और सब कुछ तैयारी कर रहे हैं। समोसा आ गए और ये भी ये खम्मन है, इसको उगाने का है बाकी है, और सलाद मिर्चा इसमें सब्जी रेडी हो गई है, इसमें दाल है और चावल कहीं पे रखा होगा। चावल आटा के लगे, मासी को हिंदी बोलना अच्छा आता है, मम्मी को नहीं आता है। तो सब कुछ ऐसा चल रहा है, बाबा हिंदी, हम भी बाबा हिंदी बोलते हैं, चलता है ऐसा। तो बस ऐसा सब कुछ चल रहा है, अभी धीरे धीरे जो होगा वो मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। अभी थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, कुछ लेने के लिए जाना है, तो लेके मैं आता हूँ अभी। जैसे आपने देखा कि सब मेहमान आए थे और ज़्यादा कुछ मैं वीडियो नहीं ले पाया, मुझे लगा कि सोनल ने लिया होगा और उसने लगा कि मैंने लिया होगा, तो दोनों में से किसी ने नहीं लिया। और इधर हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट और रोटी बन गए। गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण। तो तूने तू बोली थी मैं ले लूँगी, तो तू नहीं, तूने नहीं लिया वीडियो, ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि तू ले लेगी, तो इसलिए मैंने नहीं लिया, तूने बोला था कि मैं ले लूँगा, कोई बात नहीं। तो मैंने भी नहीं लिया और सोनल भी नहीं लिया, तो अभी तो आज पूरे दिन वीडियो कंटिन्यू नहीं करेंगे, बस इतना सही है। और अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगा, फिर इसके बाद ये वीडियो को एडिट करने के लिए बैठूँगा,
तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर दो, और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब बटन दो। इसी के साथ हमारे आज 4600 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी जल्दी जल्दी से 10,000 करवा दो। तो इसके साथ अभी मिलते हैं, इस वीडियो को इधर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत बढ़िया अच्छे कंटेंट के साथ। जब तक न्यू वीडियो नहीं आता है तब तक ये वीडियो एंजॉय करो।